नेक्स्ट गाइड जो है हमारी एम्बुलेंस। एम्बुलेंस लोगों की जान बचाती है। अब देखते हैं क्या ये खुद को बचा पाती है। आगे तो बढ़ रही है। अब देखते हैं क्या ये पहला पड़ाव पार कर पाती है या नहीं। पहला पड़ाव आ गया और इसने बड़ी आसानी से पार भी कर लिया। ये आगे बढ़ रही है और दूसरे पड़ाव को भी बड़ी आसानी से पार कर लिया। काफी स्पीड में है हमारी एम्बुलेंस। तीसरा पड़ाव भी इसने बड़ी आसानी से पार कर लिया। चौथे पड़ाव की बारी है। क्या ये भी पानी में जा गिरेगी या हथौड़े से कुचली जाएगी? मुझे नहीं पता। क्या बात, ओ नो, ये तो हथौड़े से कुचल दी गई है। अब देखते हैं जेसीबी का कमाल। जेसीबी के सामने जो ये डिजाइन बना है दोस्तों, ये तो इस डिजाइन से सबको उड़ाते हुए ही आगे जाएगी। मुझे तो लगता है ये जीत जाएगी। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो जेसीबी आगे बढ़ती जा रही है। क्या बात है, एक पड़ाव को तो इसने पार कर लिया, दूसरा पड़ाव भी पार कर ही लिया दोस्तों। क्या बात है, तालियां बजती रहनी चाहिए। और ये तीसरा पड़ाव भी पार हो गया। अरे वाह मेरी जेसीबी, चल मेरी जेसीबी, टिक टिक टिक। क्या ये इस हथौड़े से बच पाएगी? बच गई, दूसरे हथौड़े से भी बच गई। क्या बात है दोस्तों, ये तो आगे बढ़ती जा रही है। और जेसीबी हमारी तीसरी गाड़ी है जो यहाँ पे आके अपनी दूसरी जेसीबी से मिल चुकी है। ये विनर। बारी आती है स्कूल बस की। स्कूल बस में तो बच्चे भी होंगे। क्या बच्चे ड्राइवर को परेशान करके ये गेम हरा देंगे? पता नहीं दोस्तों, बस तो खाली लग रही है। लगता है ड्राइवर आज जीत ही जाएगा। और ये बस आगे बढ़ रही है। एक पड़ाव तो इतनी बड़ी आसानी से पार कर लिया, दूसरा पड़ाव भी ये पार कर ही लेगी, मुझे पूरा यकीन था। तीसरा पड़ाव पार करते हुए अब हमारी बस बढ़ रही है आगे। क्या बात है स्कूल बस, क्या ये हथौड़े से मात खा जाएगी? क्या दूसरा हथौड़े, ओह नो, दूसरे हथौड़े ने तो उसे कुचल डाला। तो आज की हमारी विजेता और दोस्तों और कोई नहीं, क्योंकि फायर ट्रक विजेता बनते बनते हथौड़े से मात खा गई। ये रहा दोस्तों जेसीबी और मैदान में उतरी है एक गाड़ी और उसी के साथ एक स्कूल बस और एक फायर ब्रिगेड और उसके साथ एक एम्बुलेंस और एक ट्रक। ओके, तो इन सबको ये खतरनाक ट्रैप्स पार करके जाना है अपनी मंजिल की ओर। हाथी, गोरिल्ला और पता नहीं कितने खतरनाक जानवरों से बचते बचाते इन्हें उस पिंजरे के पास पहुंचना है। तो चलिए देखते हैं क्या ये ऐसा कर पाते हैं। सबसे पहले आ रही है स्कूल बस और ये चालू हो गई। चल हमारी बस, चल हमारी बस, और ये हमारी बस आगे बढ़ रही है। और अब हम देखते हैं ये क्या करती है। एक ट्रैप आसान, हमें फाउंटेन नजर आ रहा है और हरे हरे पहाड़ और जंगल हर तरफ नजर आ रहे हैं। ये लैंड किया शेर ने और शेर दहाड़ रहा है। उसके बाद बारी आती है टाइगर की, टाइगर भी दहाड़ मार रहा है। उसके बाद बारी आती है हिप्पोपोटामस की और ये भी काफी गुस्से में लग रहा है। अब बारी आती है बुल की, ओह माय गॉड, ये किसे सींग मारेगा। अब बारी आती है गोरिल्ला की और अफ्रीकन एलिफेंट की। तो ये सारे जानवर हैं जो अब खास ट्रैप्स को पार करते हुए जीत की तरफ जाएंगे। तो सारे जानवर अब आगे बढ़ रहे हैं, फाउंटेन को क्रॉस कर रहे हैं। ये देखिए हिप्पोपोटामस भी और बुल भी और गोरिल्ला भी और एलिफेंट भी, इन सब ने फाउंटेन को क्रॉस कर लिया है। अब देखते हैं कौन निकलता है। ब्लू कलर का शेर बाहर आ गया है, रेड कलर का टाइगर बाहर आ गया है, गोल्डन कलर का हिप्पो बाहर आ गया है, बुल ने लिया है पर्पल कलर, ऑरेंज कलर का हो गया है गोरिल्ला और पिंक कलर का हो गया है, जी हाँ, एलिफेंट। अब ये सारे जानवर फिर से आगे बढ़ रहे हैं और शेर दहाड़ रहा है, टाइगर भी दहाड़ रहा है, हिप्पोपोटामस भी चिघार रहा है दोस्तों। अब देखिए ये बुल भी लगता है किसी को उठा के पटक ही देगा। गोरिल्ला तो ओ माय गॉड और एलिफेंट, सब के सब बहुत ज्यादा ही खतरनाक लग रहे हैं दोस्तों। तो चलिए
अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। अब ये सब जो हमें दिख रहे हैं, कलरफुल कलरफुल पार्ट्स और ये घर और उनका कलरफुल दरवाजा, एक दरवाजे में हमें दिखाई दे रहा है डक, दूसरे दरवाजे में भी हमें दिखाई दे रहा है डक, तीसरे दरवाजे में भी हमें दिखाई दे रहा है डक, चौथे में भी डक, अरे ये क्या हो रहा है, फिफ्थ में भी डक, उसके बाद वाले में भी तो डक ही होगा पक्का। देखा मैंने कहा था ना। चलिए तो अब सबसे पहला डक धीरे धीरे क्वैक क्वैक करके आगे बढ़ा, ब्लू वाले अंडे को उसने फोड़ दिया। ब्लू वाले इस पता नहीं जादुई किस चीज में घुस के और ये तो बिल्ली बन के वापस आ गया। अरे वाह, वो टनल जादुई थी। अब ये बिल्ली ने केला खाया और अब ये कूद फांद करती हुई ब्लू कलर के फाउंटेन की तरफ बढ़ रही है और हमारी बिल्ली ब्लू कलर के फाउंटेन में घुस के शेर बन के वापस आ गई। क्या बात है दोस्तों, ये देखिए शेर अब ग्रीन कलर की सीढ़ियों से नीचे उतर के कहीं जा रहा है। शेर ने कोक पिया, शेर ने एक और कोक पिया और शेर ने तीसरी बार भी एक कोक पिया और अब शेर में काफी एनर्जी आ गई है और अब शेर दहाड़ रहा है। ये हमारा दूसरा डक आगे बढ़ रहा है और अब ये पिंक कलर के टनल से वापस होता हुआ, अरे ये तो जेब्रा में कन्वर्ट हो गया। क्या बात है दोस्तों, जेब्रा ने खाया एक पीच, दूसरा पीच भी खाया और अब वो पर्पल कलर के स्लाइड पे ऊपर चढ़ता हुआ पिंक कलर के फाउंटेन में जा चुका है। दोस्तों देखते हैं ये क्या बन के निकलता है। अरे वाह, ये तो गोरिल्ला बन के बाहर आ गया। पता नहीं किसे पीटने जा रहा है नीली सीढ़ियों से उतर के। अब देखते हैं क्या बात है, गोरिल्ला ने थम्स अप पिया है और ये दूसरा थम्स अप भी पी लिया और तीसरा थम्स अप भी पी लिया। क्या बात है। चलिए अब बारी आती है नेक्स्ट डक की। अब ये भी क्वैक क्वैक करता हुआ ब्लू कलर के अंडे को फोड़ के पर्पल कलर के टनल से होता हुआ ये बन के निकल गया है एक बकरी। जी हाँ दोस्तों, ये बकरी बन के निकल गया है। बकरी ने पाइनएप्पल खाया, बकरी ने फिर से पाइनएप्पल खाया और अब हमारी बकरी ब्लू कलर के स्लाइड से चलते हुए पर्पल कलर के फाउंटेन में घुस के पता नहीं क्या बन के निकलेगी। अरे बाप रे, ये तो भैंसा बन के बाहर आई है, मुझे तो इससे बहुत डर लग रहा है। भैंसा पर्पल कलर की सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ और अब ये कहाँ जा रहा है। अच्छा, इसने भी एक फ्रूटी नाम की कोल्ड ड्रिंक पी है। फ्रूटी तो मेरी फेवरेट है, आपकी कौन सी कोल्ड ड्रिंक फेवरेट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए नेक्स्ट डक की बारी आती है और अब ये डक भी धीरे धीरे आगे बढ़ के ग्रीन अंडे को फोड़ता हुआ ग्रीन कलर के टनल में घुस के नीचे आ गया। टनल का दरवाजा ब्लू था और अब वो तो रैबिट बन के बाहर आ गया। रैबिट का फेवरेट क्या है दोस्तों, सबको पता है कैरेट खाता है। तो अब रैबिट ग्रीन कलर के रास्ते से चलते हुए स्काई ब्लू कलर के फाउंटेन में घुस गया। अब क्या लगता है ये क्या बन के बाहर आएगा। अरे बाप रे, इतना छोटा सा रैबिट इतना बड़ा एलिफेंट बन के बाहर आ गया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये देखिए दोस्तों, एलिफेंट रेड कलर की सीढ़ियों से नीचे उतरता है और एलिफेंट को स्प्राइट पसंद है, वो स्प्राइट पी रहा है। अब वो यहाँ आके सामने हाजिर हो गया। क्या बात है, किसी ने सोचा था। अरे वाह, ये देखो अब नेक्स्ट डक भी ऐसे ऐसे करता हुआ आगे आ रहा है और उसने येलो अंडा फोड़ दिया रेड कलर की शक्ल वाली येलो टनल में घुस के वो तो डॉगी बन के बाहर आ गया। और क्या आपको पता है, डॉग मेरा फेवरेट जानवर है, आपका कौन सा है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये देखिए, डॉग ने तो चेरी खा ली, चेरी या एप्पल कुछ तो था ही वो, और अब डॉग रेड कलर के टनल में घुस गया है और अब डॉग रेड कलर के फाउंटेन में घुस गया है और वो तो टाइगर बन के बाहर आया है। बाप रे, अब तो वो येलो कलर की सीढ़ियों से नीचे भी उतर रहा है। टाइगर को पेप्सी पसंद है, हमने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। खैर कोई बात नहीं, टाइगर भी बाहर आके अब दहाड़ मार रहा है दोस्तों। अब एक और डक बचा, वो भी धीरे धीरे बाहर आ रहा है। उसने चूज किया रेड कलर का अंडा, चूज क्या किया, उसके पास ऑप्शन भी नहीं था दोस्तों। तो अब वो डक तो गाय बन के बाहर आ गई है और अब हमारी गाय मू मू कर रही है।
क्या बात है, हमारी गाय को तो पंपकिन पसंद आई। गाय ने भी रेड कलर के रास्ते को चुनकर वहाँ से ऑरेंज कलर के फाउंटेन में घुस के वो तो हिप्पोपोटामस बन के बाहर आ गई है। क्या बात है दोस्तों, अरे वाह, हिप्पोपोटामस ब्लू कलर के उसमें से उतर रहा है सीढ़ियों से, और हिप्पोपोटामस को पसंद है फैंटा। इसने पिया फैंटा, इसने एक और फैंटा पिया, क्या बात है। अब हिप्पोपोटामस गरज रहा है दोस्तों, मुझे तो इससे बहुत ज्यादा डर लगता है। तो ये है हमारे सारे जानवर जो हर एक स्टेप फॉलो करके नीचे आ गए हैं। जेसीबी और मैदान में उतरी है एक गाड़ी और उसी के साथ एक स्कूल बस और एक फायर ब्रिगेड और उसके साथ एक एम्बुलेंस और एक ट्रक। ओके, तो इन सबको ये खतरनाक ट्रैप्स पार करके जाना है अपनी मंजिल की ओर।
हाथी, गोरिल्ला और पता नहीं कितने खतरनाक जानवरों से बचते बचाते इन्हें उस पिंजरे के पास पहुंचना है। तो चलिए देखते हैं क्या ये ऐसा कर पाते हैं। सबसे पहले आ रही है स्कूल बस और ये चालू हो गई। चल हमारी बस, चल हमारी बस, और ये हमारी बस आगे बढ़ रही है। और अब हम देखते हैं ये क्या करती है। एक ट्रैप आसानी से हमारी बस ने पार कर लिया और ये गोरिल्ले से बचते बचाते, हाथी से बचते बचाते, ओहो उस खतरनाक ट्रैप से भी बचते बचाते हमारी बस आगे बढ़ रही है। ओ माय गॉड, ये जानवर से, ओ नो, बच गई हमारी बस। इस ट्रैप से भी ये आगे बढ़ते हुए, वाओ, देखते हैं कैसे पार कर पाते। बिल्कुल इसको पार, ओ नो, ये तो हाथ से गई। ओ ये, अब बारी है एम्बुलेंस की। चलिए देखते हैं ये क्या कर पाती है। एम्बुलेंस आगे बढ़ गई है और ये जा रही है और ये जा रही है और ये पार किया इसने पहला पड़ाव। अब क्या ये इस ट्रैप से निकल, जी हाँ दोस्तों ये इस ट्रैप से निकल गई। क्या ये इससे भी निकल गई। अब देखते हैं क्या ये भी उस गाड़ी की तरह पानी में जाती है या बचते बचाते निकल जाती है। यहाँ तक तो पहुँच गई। क्या बात है दोस्तों, इसने ये भी पड़ाव पार कर लिया। वो जीत गई हमारी एम्बुलेंस। हमारी एम्बुलेंस अपने मंजिल तक पहुंच गई। अब बारी आती है जेसीबी अंकल की। चलिए जेसीबी जी, हम भी देखें आप क्या कर सकते हैं। और ये जेसीबी आगे बढ़ता हुआ, क्या लगता है दोस्तों क्या ये जीत पाएगा, क्या ये इस पड़ाव को पार कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसने इस पड़ाव को पार कर लिया है और ये भी डरावने हैमर से ये भाग के बाहर आ चुका है। क्या बात है, जंगली हाथी, ओ नो, मुझे लगा था जंगली हाथी भी इसका कुछ नहीं कर पाएंगे। और अब बारी है ट्रक की। चल मेरे ट्रक, चल मेरे ट्रक, आगे बढ़ता जा। क्या बात है, पूरे स्वैग से आगे बढ़ रहा है हमारा ट्रक। मुझे लगता है ये पड़ाव को पार कर लेगा और पिंजरे तक पहुंच भी जाएगा। स्वैग देख रहे हो, क्या बात है, क्या बात है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो हमारी प्यारी गाड़ी। ट्रक नाम सुनते ही लगता है कि कोई बलशाली गाड़ी आ रही है, ये इन तीनों जानवरों को उड़ा के भागेगी। जी हाँ दोस्तों, ये इस पड़ाव को भी पार करके आगे बढ़ चुकी है। यहाँ भी नहीं फंसी दोस्तों, क्या बात है, क्या बात है, तालियां बजाइए दोस्तों। अरे वाह, हमारी ट्रक ने पड़ाव को पार करके अपनी मंजिल को पा लिया। अब बारी आती है फायर ब्रिगेड की। तो आग बुझाने का काम करती है। क्या ये खुद को बचा पाएगी इन ट्रैप से, चलिए देखते हैं। आगे बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ती, क्या बात है दोस्तों, इसने तो इस फाउंटेन को भी पार कर लिया और एक खतरनाक हैमर को भी पार कर लिया। क्या बात है, ओ नो, हाथी की टक्कर से ये तो पानी में जा गिरा। कार, अब आती है कार की बारी। काफी उछल कूद कर रही है, चलिए देखते हैं क्या ये भी इस मुकाम पे पहुंच पाती है या पानी में जाती है। आगे तो बढ़ रही है, पूरे स्वैग के साथ आगे बढ़ रही है। चलो गाड़ी, फाउंटेन को पार करो। क्या बात है, गोरिल्ला तो वहाँ खड़ा मुंह देख रहा है। और ये देखिए दोस्तों, हाथी नहीं, हाथी से बच गई हमारी गाड़ी और दूसरे हैमर से भी बच गई। क्या यहाँ पे बाकी के तीन जानवर इसे हरा पाएंगे। ओ नो, ओ यस, ये तो बच के आगे बढ़ रही है दोस्तों। इस पड़ाव को भी उसने बड़ी आसानी से पार कर लिया। लगता है हमारी कार बहुत स्मार्ट है। क्या बात है, ये कार भी अपने पिंजरे के पास आखिरकार पहुंच ही गई। क्या बात है, तालियां। तो आज की रेस में है दोस्तों एक बस, एक जेसीबी, एक फायर ट्रक,
ये क्या है? ये तो एक कार है और एक एम्बुलेंस, उसके साथ एक स्कूल बस भी है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इनमें से कौन जीत पाता है और कौन पहुंच पाता है इन खतरनाक ट्रैप्स का सामना करते हुए बचते बचाते। ये देखिए दोस्तों, इन खतरनाक ट्रैप्स को आप ठीक से देखिए, इनसे बचते बचाते उन्हें इन दरवाजे के पास पहुंचना है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्या आपको भी डर लग रहा है? कौन जीतेगा या कौन हारेगा और किसके साथ क्या होगा? तो सबसे पहले बारी आती है कार की, और ये कार हमारी चल चुकी है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ रही है काफी अच्छे तरीके से, स्पीड मेंटेन करते हुए। और ये पड़ाव उसने पार कर लिया, क्या बात है! ये दूसरा पड़ाव भी हमारी कार ने बड़ी आसानी से पार कर लिया। अब हमारी कार बढ़ रही है तीसरे पड़ाव की ओर, क्या बात है दोस्तों, तालियां बजाइए! तीसरा पड़ाव भी बड़ी आसानी से पार हो गया। चौथे पड़ाव की तरफ, क्या ये हथौड़े हमारी कार को मार डालेगा? नहीं दोस्तों, ये कार तो जीत गई। जी हाँ, ये अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच गई है दोस्तों, और दरवाजा खुल गया है और ये अपनी कार मेट से मिल चुकी है, क्या बात है, तालियां! बारी आती है फायर ट्रक की। हाँ, फायर ट्रक। फायर ट्रक है दोस्तों, गाड़ी काफी बड़ी है, तो क्या ये कार को हरा पाएगी? क्या इसकी स्पीड कार से ज्यादा होगी या कम होगी? चलिए देखते हैं। स्पीड तो काफी बढ़िया है दोस्तों, और एक पड़ाव पार करके वो, क्या बात है, दूसरे पड़ाव की तरफ। और ये भी पार होने के बाद, क्या ये तीसरे पड़ाव को पार कर पाएगी? ओ नो, ये तो पानी में जा गिरी। बारी है दोस्तों बस की, क्या बात है, ये तो काफी स्टाइल से निकला है। अरे, उछल कूद करती हुई हमारी बस आगे बढ़ रही है, क्या ये अगले पड़ाव को पार कर पाएगी? चलिए देखते हैं। क्या बात है, इसने भी पड़ाव को पार कर लिया, और ये सेकंड पड़ाव भी, क्या बात है दोस्तों, तीसरे की तरफ जा रही है। क्या ये भी पानी में गिर जाएगी? मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। जी नहीं दोस्तों, ये तो ये भी पड़ाव पार कर चुकी है, क्या बात है, आगे बढ़ रही है। क्या हथौड़े से बचते बचाते ये निकल पाएगी? जी हाँ, बिल्कुल ये निकल चुकी है। अरे, ये तो दूसरी गाड़ी है जो जीत की तरफ आ गई है, क्या बात है, ये अपने दूसरे ट्रक के साथ मिल चुकी है। ये, अरे नहीं, ये हथौड़ा कहाँ से आया? ओ नो, चलिए देखते हैं नेक्स्ट गाड़ी जो है हमारी एम्बुलेंस। एम्बुलेंस लोगों की जान बचाती है, अब देखते हैं क्या ये खुद को बचा पाती है। आगे तो बढ़ रही है, अब देखते हैं क्या ये पहला पड़ाव पार कर पाती है या नहीं। पहला पड़ाव आ गया और इसने बड़ी आसानी से पार भी कर लिया। ये आगे बढ़ रही है और दूसरे पड़ाव को भी बड़ी आसानी से पार कर लिया, काफी स्पीड में है हमारी एम्बुलेंस। तीसरा पड़ाव भी इसने बड़ी आसानी से पार कर लिया। चौथे पड़ाव की बारी है, क्या ये भी पानी में जा गिरेगी या हथौड़े से कुचली जाएगी? मुझे नहीं पता, क्या बात, ओ नो, ये तो हथौड़े से कुचल दी गई है। अब देखते हैं जेसीबी का कमाल। जेसीबी के सामने जो ये डिजाइन बना है दोस्तों, ये तो इस डिजाइन से सबको उड़ाते हुए ही आगे जाएगी। मुझे तो लगता है ये जीत जाएगी, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो जेसीबी आगे बढ़ती जा रही है, क्या बात है, एक पड़ाव को तो इसने पार कर लिया, दूसरा पड़ाव भी पार कर ही लिया दोस्तों, क्या बात है, गाड़ियाँ बचती रहनी चाहिए। और ये तीसरा पड़ाव भी पार हो गया, अरे वाह मेरी जेसीबी, चल मेरी जेसीबी, टिक टिक टिक। क्या ये इस हथौड़े से बच पाएगी? बच गई, दूसरे हथौड़े से भी बच गई, क्या बात है दोस्तों, ये तो आगे बढ़ती जा रही है। और जेसीबी हमारी तीसरी गाड़ी है जो यहाँ पे आके अपनी दूसरी जेसीबी से मिल चुकी है। ये विनर। हे यू, ओके ओके, ओ ये, बारी आती है स्कूल बस की। स्कूल बस में तो बच्चे भी होंगे, क्या बच्चे ड्राइवर को परेशान करके ये गेम हरा देंगे? पता नहीं दोस्तों, बस तो खाली लग रही है, लगता है ड्राइवर आज जीत ही जाएगा। और ये बस आगे बढ़ रही है, एक पड़ाव तो इतनी बड़ी आसानी से पार कर लिया, दूसरा पड़ाव भी ये पार कर ही लेगी, मुझे पूरा यकीन था।
रपराव पार करते हुए अब हमारी बस बढ़ रही है आगे। क्या बात है स्कूल बस, क्या ये हथौड़े से मार खा जाएगी? क्या दूसरा हथौड़ा? ओह नो, दूसरे हथौड़े ने तो उसे कुचल डाला। तो आज की हमारी विजेता और दोस्तों और कोई नहीं, क्योंकि फायर ट्रक विजेता बनते बनते हथौड़े से मार खा गई। ये रहा दोस्तों जेसीबी और मैदान में उतरी है एक गाड़ी और उसी के साथ एक स्कूल बस और एक फायर ब्रिगेड और उसके साथ एक एम्बुलेंस और एक ट्रक। ओके, तो इन सबको ये खतरनाक ट्रक पार करके जाना है अपनी मंजिल की ओर। हाथी, गोरिल्ला और पता नहीं कितने खतरनाक जानवरों से बचते बचाते इन्हें उस पिंजरे के पास पहुंचना है। तो चलिए देखते हैं क्या ये ऐसा कर पाते हैं। सबसे पहले आ रही है स्कूल बस और ये चालू हो गई। चल हमारी बस, चल हमारी बस, और ये हमारी बस आगे बढ़ रही है और अब हम देखते हैं ये क्या करती है। एक ट्रैप आसान, हमें फाउंटेन नजर आ रहा है और हरे हरे पहाड़ और जंगल हर तरफ नजर आ रहे हैं। ये लैंड किया शेर ने और शेर दहाड़ रहा है। उसके बाद बारी आती है टाइगर की, टाइगर भी दहाड़ मार रहा है। उसके बाद बारी आती है हिप्पोपोटामस की और ये भी काफी गुस्से में लग रहा है। अब बारी आती है बुल की, ओ माय गॉड ये किसे सींग मारेगा। अब बारी आती है गोरिल्ला की और अफ्रीकन एलिफेंट की। तो ये सारे जानवर हैं जो अब खास ट्रैप्स को पार करते हुए जीत की तरफ जाएंगे। तो सारे जानवर अब आगे बढ़ रहे हैं, फाउंटेन को क्रॉस कर रहे हैं। ये देखिए हिप्पोपोटामस भी और बुल भी और गोरिल्ला भी और एलिफेंट भी, इन सब ने फाउंटेन को क्रॉस कर लिया है। अब देखते हैं कौन निकलता है। ब्लू कलर का शेर बाहर आ गया है, रेड कलर का टाइगर बाहर आ गया है, गोल्डन कलर का हिप्पो बाहर आ गया है, बुल ने लिया है पर्पल कलर, ऑरेंज कलर का हो गया है गोरिल्ला और पिंक कलर का हो गया है जी हाँ एलिफेंट। अब ये सारे जानवर फिर से आगे बढ़ रहे हैं और शेर दहाड़ रहा है, टाइगर भी दहाड़ रहा है, हिप्पोपोटामस भी चिघार रहा है दोस्तों। अब देखिए ये बुल भी लगता है किसी को उठा के पटक ही देगा। गोरिल्ला तो ओ माय गॉड और एलिफेंट सबके सब बहुत ज्यादा ही खतरनाक लग रहे हैं दोस्तों। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। अब ये सब जो हमें दिख रहे हैं कलरफुल कलरफुल पार्क्स और ये घर और उनका कलरफुल दरवाजा, एक दरवाजे में हमें दिखाई दे रहा है डक, दूसरे दरवाजे में भी हमें दिखाई दे रहा है डक, तीसरे दरवाजे में भी हमें दिखाई दे रहा है डक, चौथे में भी डक, अरे ये क्या हो रहा है, फिफ्थ में भी डक, उसके बाद वाले में भी तो डक ही होगा पक्का। देखा मैंने कहा था ना। चलिए तो अब सबसे पहला डक धीरे धीरे क्वैक क्वैक करके आगे बढ़ा, ब्लू वाले अंडे को उसने फोड़ दिया। ब्लू वाले इस पता नहीं जादुई किस चीज में घुस के और ये तो बिल्ली बन के वापस आ गया। अरे वाह वो टनल जादुई थी। अब ये बिल्ली ने केला खाया और अब ये कूद फांद करती हुई ब्लू कलर के फाउंटेन की तरफ बढ़ रही है और हमारी बिल्ली ब्लू कलर के फाउंटेन में घुस के शेर बन के वापस आ गई। क्या बात है दोस्तों, ये देखिए शेर अब ग्रीन कलर की सीढ़ियों से नीचे उतर के कहीं जा रहा है। शेर ने कोक पिया, शेर ने एक और कोक पिया और शेर ने तीसरी बार भी एक कोक पिया और अब शेर में काफी एनर्जी आ गई है और अब शेर दहाड़ रहा है। ये हमारा दूसरा डक आगे बढ़ रहा है और अब ये पिंक कलर के टनल से वापस होता हुआ, अरे ये तो जेब्रा में कन्वर्ट हो गया। क्या बात है दोस्तों, जेब्रा ने खाया एक पीच, दूसरा पीच भी खाया और अब वो पर्पल कलर के स्लाइड पे ऊपर चढ़ता हुआ पिंक कलर के फाउंटेन में जा चुका है दोस्तों। देखते हैं ये क्या बन के निकलता है। अरे वाह ये तो गोरिल्ला बन के बाहर आ गया, पता नहीं किसे पीटने जा रहा है नीली सीढ़ियों से उतर के।
अब देखते हैं क्या बात है। गोरिल्ला ने थम्स अप पिया है और ये दूसरा थम्स अप भी पी लिया और तीसरा थम्स अप भी पी लिया। क्या बात है। चलिए अब बारी आती है नेक्स्ट डक की। अब ये भी क्वैक क्वैक करता हुआ ब्लू कलर के अंडे को फोड़ के पर्पल कलर के टनल से होता हुआ ये बन के निकल गया है एक बकरी। जी हाँ दोस्तों, ये बकरी बन के निकल गया है। बकरी ने पाइनएप्पल खाया, बकरी ने फिर से पाइनएप्पल खाया और अब हमारी बकरी ब्लू कलर के स्लाइड से चलते हुए पर्पल कलर के फाउंटेन में घुस के पता नहीं क्या बन के निकलेगी। अरे बाप रे, ये तो भैंसा बन के बाहर आई है। मुझे तो इससे बहुत डर लग रहा है। भैंसा पर्पल कलर की सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ और अब ये कहाँ जा रहा है। अच्छा, इसने भी एक फ्रूटी नाम की कोल्ड ड्रिंक पी है। फ्रूटी तो मेरी फेवरेट है। आपकी कौन सी कोल्ड ड्रिंक फेवरेट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए नेक्स्ट डक की बारी आती है और अब ये डक भी धीरे धीरे आगे बढ़ के ग्रीन अंडे को फोड़ता हुआ ग्रीन कलर के टनल में घुस के नीचे आ गया। टनल का दरवाजा ब्लू था और अब वो तो रैबिट बन के बाहर आ गया। रैबिट का फेवरेट क्या है दोस्तों, सबको पता है, कैरेट खाता है। तो अब रैबिट ग्रीन कलर के रास्ते से चलते हुए स्काई ब्लू कलर के फाउंटेन में घुस गया। अब क्या लगता है ये क्या बन के बाहर आएगा। अरे बाप रे, इतना छोटा सा रैबिट इतना बड़ा एलिफेंट बन के बाहर आ गया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये देखिए दोस्तों, एलिफेंट रेड कलर की सीढ़ियों से नीचे उतरता है और एलिफेंट को स्प्राइट पसंद है, वो स्प्राइट पी रहा है। अब वो यहाँ आके सामने हाजिर हो गया। क्या बात है, किसी ने सोचा था। अरे वाह, ये देखो, अब नेक्स्ट डक भी ऐसे ऐसे करता हुआ आगे आ रहा है और उसने येलो अंडा फोड़ दिया रेड कलर के शक्ल वाली येलो टनल में घुस के वो तो डॉगी बन के बाहर आ गया। और क्या आपको पता है, डॉग मेरा फेवरेट जानवर है। आपका कौन सा है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये देखिए, डॉग ने तो चेरी खा ली, चेरी या एप्पल कुछ तो था ही वो। और अब डॉग रेड कलर के टनल में घुस गया है और अब डॉग रेड कलर के फाउंटेन में घुस गया है और वो तो टाइगर बन के बाहर आया है। बाप रे, अब तो वो येलो कलर की सीढ़ियों से नीचे भी उतर रहा है। टाइगर को पेप्सी पसंद है, हमने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। खैर कोई बात नहीं, टाइगर भी बाहर आके अब दहाड़ मार रहा है दोस्तों। अब एक और डक बचा, वो भी धीरे धीरे बाहर आ रहा है। उसने चूज किया रेड कलर का अंडा। चूज क्या किया, उसके पास ऑप्शन भी नहीं था दोस्तों। तो अब वो डक तो गाय बन के बाहर आ गई है और अब हमारी गाय मुंह मुंह कर रही है। क्या बात है, हमारी गाय को तो फाउंटेन में घुस के वो तो हिपोपोटामस बन के बाहर आ गई है। क्या बात है दोस्तों। अरे वाह, हिपोपोटामस ब्लू कलर के उसमें से उतर रहा है सीढ़ियों से और हिपोपोटामस को पसंद है फैंटा। इसने पिया फैंटा, इसने एक और फैंटा पिया। क्या बात है, अब हिपोपोटामस गरज रहा है दोस्तों, मुझे तो इससे बहुत ज्यादा डर लगता है। तो ये है हमारे सारे जानवर जो हर एक स्टेप फॉलो करके नीचे आ गए हैं।
जेसीबी और मैदान में उतरी है एक गाड़ी और उसी के साथ एक स्कूल बस और एक फायर ब्रिगेड और उसके साथ एक एम्बुलेंस और एक ट्रक। ओके, तो इन सबको ये खतरनाक ट्रैप्स पार करके जाना है अपनी मंजिल की ओर। हाथी, गोरिल्ला और पता नहीं कितने खतरनाक जानवरों से बचते बचाते इन्हें उस पिंजरे के पास पहुंचना है। तो चलिए देखते हैं क्या ये ऐसा कर पाते हैं। सबसे पहले आ रही है स्कूल बस और ये चालू हो गई। चल हमारी बस, चल हमारी बस, और ये हमारी बस आगे बढ़ रही है। और अब हम देखते हैं ये क्या करती है। एक ट्रैप आसानी से हमारी बस ने पार कर लिया और ये गोरिल्ले से बचते बचाते, हाथी से बचते बचाते, ओहो उस खतरनाक ट्रैप से भी बचते बचाते हमारी बस आगे बढ़ रही है। ओ माय गॉड, ये जानवर से, ओ नो, बच गई हमारी बस। इस ट्रैप से भी ये आगे बढ़ते हुए, वाओ, देखते हैं कैसे पार कर पाते। बिल्कुल इसको पार, ओ नो, ये तो हाथ से गई। अब बारी है एम्बुलेंस की। चलिए देखते हैं ये क्या कर पाती है। एम्बुलेंस आगे बढ़ गई है और ये जा रही है और ये जा रही है और ये पार किया इसने पहला पड़ाव। अब क्या ये इस ट्रैप से निकल, जी हाँ दोस्तों ये इस ट्रैप से निकल गई। क्या ये इससे भी निकल गई। अब देखते हैं क्या ये भी उस गाड़ी की तरह पानी में जाती है या बचते बचाते निकल जाती है। यहाँ तक तो पहुँच गई। क्या बात है दोस्तों, इसने ये भी पड़ाव पार कर लिया। वोहो, जीत गई हमारी एम्बुलेंस। हमारी एम्बुलेंस अपने मंजिल तक पहुंच गई। अब बारी आती है जेसीबी अंकल की। चलिए जेसीबी जी, हम भी देखें आप क्या कर सकते हैं। और ये जेसीबी आगे बढ़ता हुआ, क्या लगता है दोस्तों क्या ये जीत पाएगा, क्या ये इस पड़ाव को पार कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसने इस पड़ाव को पार कर लिया है और ये भी डरावने हैमर से ये भाग के बाहर आ चुका है। क्या बात है, जंगली हाथी, ओ नो, मुझे लगा था जंगली हाथी भी इसका कुछ नहीं कर पाएंगे। और अब बारी है ट्रक की। चल मेरे ट्रक, चल मेरे ट्रक, आगे बढ़ता जा। क्या बात है, पूरे स्वैग से आगे बढ़ रहा है हमारा ट्रक। मुझे लगता है ये पड़ाव को पार कर लेगा और पिंजरे तक पहुँच भी जाएगा। स्वैग देख रहे हो, क्या बात है, क्या बात है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो हमारी प्यारी गाड़ी। ट्रक नाम सुनते ही लगता है कि कोई बलशाली गाड़ी आ रही है, ये इन तीनों जानवरों को उड़ा के भागेगी। जी हाँ दोस्तों, ये इस पड़ाव को भी पार करके आगे बढ़ चुकी है। यहाँ भी नहीं फंसी दोस्तों, क्या बात है, क्या बात है, तालियां बजाइए दोस्तों। अरे वाह, हमारी ट्रक ने पड़ाव को पार करके अपनी मंजिल को पा लिया। अब बारी आती है फायर ब्रिगेड की। ये तो आग बुझाने का काम करती है। क्या ये खुद को बचा पाएगी इन ट्रैप से? चलिए देखते हैं। आगे बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ती, क्या बात है दोस्तों, इसने तो इस फाउंटेन को भी पार कर लिया और एक खतरनाक हैमर को भी पार कर लिया। क्या बात है, ओ नो, हाथी की टक्कर से ये तो पानी में जा गिरा। अब आती है कार की बारी। काफी उछल कूद कर रही है। चलिए देखते हैं क्या ये भी इस मुकाम पे पहुंच पाती है या पानी में जाती है। आगे तो बढ़ रही है, पूरे स्वैग के साथ आगे बढ़ रही है। चलो गाड़ी, फाउंटेन को पार करो। क्या बात है, गोरिल्ला तो वहाँ खड़ा मुंह देख रहा है। और ये देखिए दोस्तों, हाथी, नहीं, हाथी से बच गई हमारी गाड़ी और दूसरे हैमर से भी बच गई। क्या यहाँ पे बाकी के तीन जानवर इसे हरा पाएंगे? ओ नो, ओ यस, ये तो बच के आगे बढ़ रही है दोस्तों। इस पड़ाव को भी उसने बड़ी आसानी से पार कर लिया। लगता है हमारी कार बहुत स्मार्ट है। क्या बात है, ये कार भी अपने पिंजरे के पास आखिरकार पहुंच ही गई। क्या बात है, तालियां।
आज की रेस में है दोस्तों एक बस, एक जेसीबी, एक फायर ट्रक, ये क्या है, ये तो एक कार है, और एक एम्बुलेंस, उसके साथ एक स्कूल बस भी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इनमें से कौन जीत पाता है और कौन पहुंच पाता है इन खतरनाक ट्रैप्स का सामना करते हुए बचते बचाते। ये देखिए दोस्तों इन खतरनाक ट्रैप्स को आप ठीक से देखिए, इनसे बचते बचाते उन्हें इन दरवाजे के पास पहुंचना है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्या आपको भी डर लग रहा है कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा और किसके साथ क्या होगा? तो सबसे पहले बारी आती है कार की, और ये कार हमारी चल चुकी है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ रही है काफी अच्छे तरीके से, स्पीड मेंटेन करते हुए, और ये पड़ाव उसने पार कर लिया, क्या बात है। ये दूसरा पड़ाव भी हमारी कार ने बड़ी आसानी से पार कर लिया। अब हमारी कार बढ़ रही है तीसरे पड़ाव की ओर, क्या बात है दोस्तों, तालियां बजाइए। तीसरा पड़ाव भी बड़ी आसानी से पार हो गया। चौथे पड़ाव की तरफ, क्या ये हथौड़े हमारी कार को मार डालेगा? नहीं दोस्तों, ये कार तो जीत गई। जी हाँ, ये अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गई है दोस्तों, और दरवाजा खुल गया है और ये अपनी कारमेट से मिल चुकी है, क्या बात है, तालियां। हे यू, अब बारी आती है फायर ट्रक की। हाँ, फायर ट्रक। क्या लगता है दोस्तों, गाड़ी काफी बड़ी है तो क्या ये कार को हरा पाएगी? क्या इसकी स्पीड कार से ज्यादा होगी या कम होगी? चलिए देखते हैं। स्पीड तो काफी बढ़िया है दोस्तों, और एक पड़ाव पार करके वो, क्या बात है, दूसरे पड़ाव की तरफ, और ये भी पार होने के बाद क्या ये तीसरे पड़ाव को पार कर पाएगी? ओ नो, ये तो पानी में जा गिरी। हे यू, बारी है दोस्तों बस की। क्या बात है, ये तो काफी स्टाइल से निकला है। अरे, उछल कूद करती हुई हमारी बस आगे बढ़ रही है, क्या ये अगले पड़ाव को पार कर पाएगी? चलिए देखते हैं। क्या बात है, इसने भी पड़ाव को पार कर लिया, और ये सेकंड पड़ाव भी, क्या बात है दोस्तों, तीसरे की तरफ जा रही है, क्या ये भी पानी में गिर जाएगी? मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। जी नहीं दोस्तों, ये तो ये भी पड़ाव पार कर चुकी है, क्या बात है, आगे बढ़ रही है, क्या हथौड़े से बचते बचाते ये निकल पाएगी? जी हाँ बिल्कुल, ये निकल चुकी है। अरे, ये तो दूसरी गाड़ी है जो जीप की तरफ आ गई है, क्या बात है, ये अपने दूसरे ट्रक के साथ मिल चुकी है, ये। अरे नहीं, ये हथौड़ा कहाँ से आया? ओ नो, चलिए देखते हैं नेक्स्ट गाड़ी जो है हमारी एम्बुलेंस। एम्बुलेंस लोगों की जान बचाती है, अब देखते हैं क्या ये खुद को बचा पाती है। आगे तो बढ़ रही है, अब देखते हैं क्या ये पहला पड़ाव पार कर पाती है या नहीं। पहला पड़ाव आ गया और इसने बड़ी आसानी से पार भी कर लिया। ये आगे बढ़ रही है और दूसरे पड़ाव को भी बड़ी आसानी से पार कर लिया, काफी स्पीड में है हमारी एम्बुलेंस। तीसरा पड़ाव भी इसने बड़ी आसानी से पार कर लिया। चौथे पड़ाव की बारी है, क्या ये भी पानी में जा गिरेगी या हथौड़े से कुचली जाएगी? मुझे नहीं पता, क्या बात, ओ नो, ये तो हथौड़े से कुचल दी गई है। अब देखते हैं जेसीबी का कमाल। जेसीबी के सामने जो ये डिजाइन बना है दोस्तों, ये तो इस डिजाइन से सबको उड़ाते हुए ही आगे जाएगी। मुझे तो लगता है ये जीत जाएगी, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो जेसीबी आगे बढ़ती जा रही है, क्या बात है, एक पड़ाव को तो इसने पार कर लिया, दूसरा पड़ाव भी पार कर ही लिया दोस्तों, क्या बात है, तालियां बजती रहनी चाहिए, और ये तीसरा पड़ाव भी पार हो गया। अरे वाह मेरी जेसीबी, चल मेरी जेसीबी, टिक टिक टिक। क्या ये इस हथौड़े से बच पाएगी? बच गई, दूसरे हथौड़े से भी बच गई, क्या बात है दोस्तों, ये तो आगे बढ़ती जा रही है, और जेसीबी हमारी तीसरी गाड़ी है जो यहाँ पे आके अपनी दूसरी जेसीबी से मिल चुकी है, ये विनर। हे यू, ओके ओके, ओह ये, बारी आती है स्कूल बस की।
स्कूल बस में तो बच्चे भी होंगे, क्या बच्चे ड्राइवर को परेशान करके ये गेम हरा देंगे? पता नहीं दोस्तों, बस तो खाली लग रही है, लगता है ड्राइवर आज जीत ही जाएगा। और ये बस आगे बढ़ रही है, एक पड़ाव तो इसने बड़ी आसानी से पार कर लिया, दूसरा पड़ाव भी ये पार कर ही लेगी, मुझे पूरा यकीन था। तीसरा पड़ाव पार करते हुए अब हमारी बस बढ़ रही है आगे। क्या बात है स्कूल बस, क्या ये हथौड़े से मात खा जाएगी? क्या दूसरा हथौड़ा, ओह नो, दूसरे हथौड़े ने तो उसे कुचल डाला। तो आज की हमारी विजेता और दोस्तों और कोई नहीं, क्योंकि फायर ट्रक विजेता बनते बनते हथौड़े से मात खा गई। ये रहा दोस्तों जेसीबी, और मैदान में उतरी है एक गाड़ी, और उसी के साथ एक स्कूल बस, और एक फायर ब्रिगेड, और उसके साथ एक एम्बुलेंस और एक ट्रक। ओके, तो इन सबको ये खतरनाक ट्रैप पार करके जाना है अपनी मंजिल की ओर। हाथी, गोरिल्ला और पता नहीं कितने खतरनाक जानवरों से बचते बचाते इन्हें उस पिंजरे के पास पहुंचना है। तो चलिए देखते हैं क्या ये ऐसा कर पाते हैं। सबसे पहले आ रही है स्कूल बस, और ये चालू हो गई। चल हमारी बस, चल हमारी बस, और ये हमारी बस आगे बढ़ रही है। और अब हम देखते हैं ये क्या करती है। एक ट्रैप आसा, हमें फाउंटेन नजर आ रहा है, और हरे हरे पहाड़ और जंगल हर तरफ नजर आ रहे हैं। ये लैंड किया शेर ने, और शेर दहाड़ रहा है। उसके बाद बारी आती है टाइगर की, टाइगर भी दहाड़ मार रहा है। उसके बाद बारी आती है हिप्पोपोटामस की, और ये भी काफी गुस्से में लग रहा है। अब बारी आती है बुल की, ओह माय गॉड, ये किसे सींग मारेगा। अब बारी आती है गोरिल्ला की और अफ्रीकन एलिफेंट की। तो ये सारे जानवर हैं जो अब खास ट्रैप्स को पार करते हुए जीत की तरफ जाएंगे। तो सारे जानवर अब आगे बढ़ रहे हैं, फाउंटेन को क्रॉस कर रहे हैं। ये देखिए हिप्पोपोटामस भी, और बुल भी, और गोरिल्ला भी, और एलिफेंट भी, इन सब ने फाउंटेन को क्रॉस कर लिया है। अब देखते हैं कौन निकलता है। ब्लू कलर का शेर बाहर आ गया है, रेड कलर का टाइगर बाहर आ गया है, गोल्डन कलर का हिप्पो बाहर आ गया है, बुल ने लिया है पर्पल कलर, ऑरेंज कलर का हो गया है गोरिल्ला, और पिंक कलर का हो गया है, जी हाँ, एलिफेंट। अब ये सारे जानवर फिर से आगे बढ़ रहे हैं, और शेर दहाड़ रहा है, टाइगर भी दहाड़ रहा है, हिप्पोपोटामस भी चिघार रहा है दोस्तों। अब देखिए ये बुल भी लगता है किसी को उठा के पटक ही देगा। गोरिल्ला तो ओ माय गॉड, और एलिफेंट, सबके सब बहुत ज्यादा ही खतरनाक लग रहे हैं दोस्तों। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। अब ये सब जो हमें दिख रहे हैं, कलरफुल कलरफुल पार्ट्स, और ये घर और उनका कलरफुल दरवाजा, एक दरवाजे में हमें दिखाई दे रहा है डक, दूसरे दरवाजे में भी हमें दिखाई दे रहा है डक, तीसरे दरवाजे में भी हमें दिखाई दे रहा है डक, चौथे में भी डक, अरे ये क्या हो रहा है, फिफ्थ में भी डक, उसके बाद वाले में भी तो डक ही होगा पक्का, देखा मैंने कहा था ना। चलिए तो अब सबसे पहला डक धीरे धीरे क्वैक क्वैक करके आगे बढ़ा, ब्लू वाले अंडे को उसने फोड़ दिया। ब्लू वाले इस पता नहीं जादुई किस चीज में घुस के, और ये तो बिल्ली बन के वापस आ गया। अरे वाह, वो टनल जादुई थी। अब ये बिल्ली ने केला खाया, और अब ये कूद फांद करती हुई ब्लू कलर के फाउंटेन की तरफ बढ़ रही है, और हमारी बिल्ली ब्लू कलर के फाउंटेन में घुस के शेर बन के वापस आ गई। क्या बात है दोस्तों, ये देखिए शेर अब ग्रीन कलर की सीढ़ियों से नीचे उतर के कहीं जा रहा है। शेर ने कोक पिया, शेर ने एक और कोक पिया, और शेर ने तीसरी बार भी एक कोक पिया, और अब शेर में काफी एनर्जी आ गई है, और अब शेर दहाड़ रहा है। ये हमारा दूसरा डक आगे बढ़ रहा है, और अब ये पिंक कलर के टनल से वापस होता हुआ, अरे ये तो जेब्रा में कन्वर्ट हो गया। क्या बात है दोस्तों, जेब्रा ने खाया एक पीच,
दूसरा पीच भी खाया और अब वो पर्पल कलर के स्लाइड पे ऊपर चढ़ता हुआ पिंक कलर के फाउंटेन में जा चुका है। दोस्तों देखते हैं ये क्या बन के निकलता है। अरे वाह, ये तो गोरिल्ला बन के बाहर आ गया। पता नहीं किसे पीटने जा रहा है नीली सीढ़ियों से उतर के। अब देखते हैं क्या बात है, गोरिल्ला ने थम्स अप पिया है और ये दूसरा थम्स अप भी पी लिया और तीसरा थम्स अप भी पी लिया। क्या बात है। चलिए अब बारी आती है नेक्स्ट डक की। अब ये भी क्वैक क्वैक करता हुआ ब्लू कलर के अंडे को फोड़ के पर्पल कलर के टनल से होता हुआ ये बन के निकल गया है एक बकरी। जी हाँ दोस्तों, ये बकरी बन के निकल गया है। बकरी ने पाइनएप्पल खाया, बकरी ने फिर से पाइनएप्पल खाया और अब हमारी बकरी ब्लू कलर के स्लाइड से चलते हुए पर्पल कलर के फाउंटेन में घुस के पता नहीं क्या बन के निकलेगी। अरे बाप रे, ये तो भैंसा बन के बाहर आई है। मुझे तो इससे बहुत डर लग रहा है। भैंसा पर्पल कलर की सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ और अब ये कहाँ जा रहा है। अच्छा, इसने भी एक फ्रूटी नाम की कोल्ड ड्रिंक पी है। फ्रूटी तो मेरी फेवरेट है। आपकी कौन सी कोल्ड ड्रिंक फेवरेट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए नेक्स्ट डक की बारी आती है और अब ये डक भी धीरे धीरे आगे बढ़ के ग्रीन अंडे को फोड़ता हुआ ग्रीन कलर के टनल में घुस के नीचे आ गया। टनल का दरवाजा ब्लू था और अब वो तो रैबिट बन के बाहर आ गया। रैबिट का फेवरेट क्या है दोस्तों, सबको पता है, कैरेट खाता है। तो अब रैबिट ग्रीन कलर के रास्ते से चलते हुए स्काई ब्लू कलर के फाउंटेन में घुस गया। अब क्या लगता है ये क्या बन के बाहर आएगा। अरे बाप रे, इतना छोटा सा रैबिट इतना बड़ा एलिफेंट बन के बाहर आ गया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये देखिए दोस्तों, एलिफेंट रेड कलर की सीढ़ियों से नीचे उतरता है और एलिफेंट को स्प्राइट पसंद है, वो स्प्राइट पी रहा है। अब वो यहाँ आके सामने हाजिर हो गया। क्या बात है, किसी ने सोचा था। अरे वाह, ये देखो, अब नेक्स्ट डक भी ऐसे ऐसे करता हुआ आगे आ रहा है और उसने येलो अंडा फोड़ दिया रेड कलर के शक्ल वाली येलो टनल में घुस के वो तो डॉगी बन के बाहर आ गया। और क्या आपको पता है, डॉग मेरा फेवरेट जानवर है। आपका कौन सा है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये देखिए, डॉग ने तो चेरी खा ली, चेरी या एप्पल कुछ तो था ही वो। और अब डॉग रेड कलर के टनल में घुस गया है और अब डॉग रेड कलर के फाउंटेन में घुस गया है और वो तो टाइगर बन के बाहर आया है। बाप रे, अब तो वो येलो कलर की सीढ़ियों से नीचे भी उतर रहा है। टाइगर को पेप्सी पसंद है, हमने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। खैर कोई बात नहीं, टाइगर भी बाहर आके अब दहाड़ मार रहा है दोस्तों। अब एक और डक बचा, वो भी धीरे धीरे बाहर आ रहा है। उसने चूज किया रेड कलर का अंडा। चूज क्या किया, उसके पास ऑप्शन भी नहीं था दोस्तों। तो अब वो डक तो गाय बन के बाहर आ गई है और अब हमारी गाय मू मू कर रही है। क्या बात है, हमारी गाय को तो पंपकिन पसंद आई। गाय ने भी रेड कलर के रास्ते को चुनकर वहाँ से ऑरेंज कलर के फाउंटेन में घुस के वो तो हिपोपोटामस बन के बाहर आ गई है। क्या बात है दोस्तों, अरे वाह, हिपोपोटामस ब्लू कलर के उसमें से उतर रहा है सीढ़ियों से और हिपोपोटामस को पसंद है फैंटा। इसने पिया फैंटा, इसने एक और फैंटा पिया। क्या बात है, अब हिपोपोटामस गरज रहा है दोस्तों, मुझे तो इससे बहुत ज्यादा डर लगता है। तो ये है हमारे सारे जानवर जो हर एक स्टेप फॉलो करके नीचे आ गए हैं।